आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे हम निराशा से सफलता तक पहुंच सकते हैं। इसे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। एक कंपनी में कई सारे कर्मचारी काम करते थे और उस कंपनी के सारे कर्मचारी बड़े निराश और दुखी जैसे दिखते थे। ऐसा लगता था कि उनके अंदर आत्मविश्वास और ऊर्जा खत्म सी हो गई है। तभी कंपनी के मालिक ने काम के प्रति और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक नया आइडिया सोचा। जैसे ही सुबह सभी कर्मचारी कंपनी के अंदर जाने लगे, तभी उन्होंने देखा कि कंपनी के मेन गेट पर एक नोटिस लगा हुआ था और उसमें लिखा था कि जो व्यक्ति कल तक आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, आज उसकी मौत हो गई है और आप अंदर जाकर उस व्यक्ति से अंतिम बार मिल सकते हैं। सभी कर्मचारी नोटिस पढ़कर बहुत खुश होने लगे और सोचने लगे कि चलो, जो व्यक्ति हमारा विकास को रोक रहा था, आगे बढ़ने से रोक रहा था, अब वह मर चुका है। लेकिन एक बात का दुख भी था कि अब अपने साथ का एक कर्मचारी नहीं रहा। अब सबके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर वह व्यक्ति है कौन जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था और आज उसकी मृत्यु हो गई। यही सोचते हुए सभी कर्मचारी एक एक कर अंदर गए। जैसे ही अंदर पहुंचे तो अंदर का नजारा देख सभी कर्मचारी अचंभित रह गए। मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया क्योंकि अंदर कुछ था ही नहीं। वहां सिर्फ एक आईना लगा हुआ था जिसके नीचे एक छोटा सा नोट लिखा हुआ था, केवल आप ही वह इंसान हैं जिसने अपनी क्षमता का दायरा छोटा बना रखा है। आप खुद ही अपने सुख दुख सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार हैं। यदि आप सोचते हैं कि कंपनी बदलने, अपने बॉस बदलने या दोस्तों को बदलने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो यह सोचना बिल्कुल गलत है। यदि आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो खुद को बदलना होगा, अपनी क्षमता को पहचानना होगा। आपने जो अपने मन में जो छोटे दायरे बना रखे हैं, उस दायरे से बाहर निकलना होगा। फिर देखिए, एक दिन पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। फिर आप खुद महसूस कर सकते हो कि जिंदगी वाकई बदल सी गई है। इस बात को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जब एक अंडा बाहर से फूटता है तो एक जिंदगी का अंत होता है, लेकिन जब वही अंडा अंदर से फूटता है तो एक नई जिंदगी का जन्म होता है। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर की शक्तियों को जगाओ, क्योंकि आप क्षमतावान हो। आपके अंदर भी वे शक्ति और ताकत हैं। यदि आप असफल हो तो इसके लिए जिम्मेदार भी खुद ही हो। खुद को कोसना और खुद को दोष देना बंद करो और पूरी मेहनत से जुट जाओ। ऐसा लगे जैसे एक नया जन्म मिला हो। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। धन्यवाद।